नमस्कार, मैं गुलशन कृपलानी, सुपरमार्केट कंसल्टेंट। कुछ सालों से मैं सुपरमार्केट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि सुपरमार्केट बिजनेस काफ़ी बूम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, और इसमें काफ़ी सारे नए लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर आज का वीडियो का मेरा टॉपिक कुछ अलग है। मैंने आज का वीडियो बनाया है किराना दुकानदार के लिए, क्यों किराना दुकानदार ने सुपरमार्केट बिजनेस में शिफ्ट होना चाहिए। तो आइए इस पे बात करते हैं। सुपरमार्केट बिजनेस ये एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है सर। तो आइए जनरेशन पे बात करते हैं। जनरेशन एज अ ओनर, एज अ कस्टमर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ ओनर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस किराना दुकान पे नहीं बैठना चाहती है सर, इस तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहती है। वो स्मार्ट जनरेशन है, स्मार्ट जनरेशन स्मार्टली बिजनेस करेंगी, इसीलिए कंपेयर टू किराना वो सुपरमार्केट के तरीके में बिजनेस करना ज्यादा पसंद करेंगी। एज अ कस्टमर आज बहुत ही चूजी हो चुका है। कस्टमर जो परचेसिंग करना चाहता है वो प्रोडक्ट्स खुद चूज करना चाहता है, वो अपनी फैमिली के साथ में परचेसिंग करना चाहता है, अपने बच्चों के साथ में परचेसिंग करना चाहता है, वो ऐसे एम्बियंस में परचेस करना चाहता है जहां वो परचेसिंग को एंजॉय करे। ये सारी चीजें सुपरमार्केट में ही आप उसे सर्विस दे सकते हैं। एज ए एम्प्लॉई, जो आज की जनरेशन की एम्प्लॉई है, इसमें बहुत बड़ा तबका एज ए एम्प्लॉई एंटर हो रहा है इंडिया में, जो कि है महिलाएं। महिलाओं को बहुत कन्वीनियंट है सुपरमार्केट में काम करना। और बाकी भी सारे, अगर मैं एज अ जेंट्स, एज अ लेडीज एम्प्लॉयज़ देखता हूँ, तो सारे लोग सुपरमार्केट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जॉब करने के लिए, ना कि किराना दुकान की तरफ। किराना दुकान में तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है सर एम्प्लॉय लाने के लिए, रिक्रूट करने के लिए। सो एज अ जनरेशन अगर मैं बात करता हूँ, तो तीनों भी एज अ ओनर, एज अ कस्टमर, एज अ एम्प्लॉय, वो लोग सुपरमार्केट बिजनेस में ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस सुपरमार्केट है सर। तो अब हम बात करेंगे कुछ किराना दुकानदार की समस्याएं हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि हम कैसे हैंडल करेंगे इतनी बड़ी शॉप को। हम छोटी शॉप हैंडल करने के लिए हम घर के फैमिली के दो लोग लग रहे हैं, तो इतनी बड़ी सुपरमार्केट कैसे हैंडल होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको समझाता हूँ कि जो किराना दुकान है इसमें आपको काउंटर पे खड़े होना पड़ता है, खुद आपको फ्रंट एंड पे खड़ा होना होता है। सुपरमार्केट जो है ये बैक एंड से ऑपरेट होता है। आपको कस्टमर सुपरमार्केट में अटेंड नहीं करना है, कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट उठा रहा है, कैश काउंटर पे कैशियर उसको अटेंड कर रहा है, सॉफ्टवेयर से आपका सारा हैंडल हो रहा है। तो आपको बैकएंड में सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, कस्टमर कौन सी चीज़ कहाँ से उठाएगा, ये सब आपको बैकएंड से तैयारी करनी है। कस्टमर आने के पहले आप रेडी हो जाते हो, दैट इज़ व्हाट बैकएंड इज़, यही बैकएंड है। तो हमें ये समझना है कि सुपरमार्केट जो है वो ज़्यादा आसान है ऑपरेट करने के लिए, इसलिए हमें फैमिली के बहुत ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे। इसके बाद दूसरी समस्या आती है आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्ड हैवी लगता है, बट सुपरमार्केट की अगर हम बात करें तो आज बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ गए हैं, जो कि बहुत ही आसान है ऑपरेट करने के लिए, और वो भी पूरी तरह से आपको ऑपरेट नहीं करना है। मेरी खुद की सुपरमार्केट है, 10th पास आउट बंदा भी बिलिंग काउंटर पर बैठ के बिलिंग कर लेता है, और सॉफ्टवेयर के ट्रेनर्स बहुत अच्छे से अपने स्टाफ को ट्रेन भी कर देते हैं। आपको थोड़ा बहुत उसको समझना है, जैसे आप आज व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुके हैं, आप व्हाट्सएप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप अपने स्टोर का सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना शुरू कर देंगे, बारकोडिंग करना शुरू कर देंगे अपने स्टाफ की मदद से। तीसरा कंसर्न जो मुझे लगातार सुनने को मिलता है वो है लोकेशन। आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी खुद की जो किराना दुकान है, उसको हम सुपरमार्केट में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो उसकी साइज़ अगर अप्रॉक्स 1000 या 1000 square feet के ऊपर है, तो आप उसी लोकेशन पे आपका सुपरमार्केट शिफ्ट कर सकते हैं, सुपरमार्केट बिजनेस में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर वो छोटी जगह है, 200-300 square feet है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो 200-300 square feet वाली स्टोर है, आप उसे ऑटोमाइज कर दें, बिलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें, और सुपरमार्केट के लिए एक अच्छी जगह देखें, 1000-2000 square feet, जहां हम सुपरमार्केट बिजनेस कर सकें। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मैं खुद एक किराना दुकान पे, मेरी दो जनरेशंस किराना दुकान पे बैठी है, और मैं खुद उस पे 8 साल के लिए बैठा हूं, और उसके बाद मैंने अपनी पहली सुपरमार्केट ओपन की, उसके बाद दूसरी भी की, और दूसरी ओपन करने के बाद मैंने अपनी किराना स्टोर बंद कर दी। आज मैं वो दोनों सुपरमार्केट्स अच्छे से रन कर रहा हूं। आप आ सकते हैं मेरी सुपरमार्केट देखने के लिए। तो ये मैं खुद ऑपरेट कर चुका हूं, मैं जानता हूं किराना दुकान चलाने में जो आप डेली बेसिस पे जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो कितनी आसान हो जाती है सुपरमार्केट ओपन करने के बाद। सुपरमार्केट बहुत ही आसान है सर ऑपरेट करने के लिए कंपेयर टू किराना। आइए अब बात करते हैं सुपरमार्केट बेनिफिट्स पर। सबसे पहला, टर्नओवर्स।
सुपरमार्केट में टर्नओवर्स कंपेयर टू किराना दुकान ज्यादा होते हैं, सबको पता है। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि सुपरमार्केट में आपका कारपेट एरिया जितना बड़ा उतने ज्यादा टर्नओवर्स। किराना शॉप में आपको कस्टमर वन ऑन वन अटेंड करना है, सुपरमार्केट में ऐसा नहीं है। सुपरमार्केट में आप एट द सेम टाइम आप काफी कस्टमर्स अटेंड कर सकते हैं, इसीलिए सुपरमार्केट में टर्नओवर्स ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा टर्नओवर्स उतने ज्यादा प्रॉफिट्स, तो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो है सुपरमार्केट। सेकेंडली, ऑपरेशनली सुपरमार्केट इजी होता है। सुपरमार्केट में प्रोसीजर्स एसओपीज बन जाते हैं जिसको फॉलो करना आसान हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं तो, जैसे एक सेल्समैन आपसे ऑर्डर लेना आ रहा है, तो एक किराना शॉप में आप उसको वन ऑन वन अटेंड करके हर एक आइटम का ऑर्डर लिखाते हैं। सुपरमार्केट में ऐसा नहीं होता है। सुपरमार्केट में सेल्समैन आता है, रैक पे जाता है, प्रोडक्ट शॉर्टेज नोट डाउन कर लेता है और हमें उसकी हमारी उसके पास क्वांटिटी दी ही रहती है, उतना वो उसमें रिफिल करवा देता है। इससे भी एडवांस वर्जन होता है सुपरमार्केट में आपका परचेस ऑर्डर, जो कि आपका सॉफ्टवेयर परचेस ऑर्डर निकालता है और परचेस ऑर्डर से वो अपना रिफिलिंग कर देता है। तो इस तरीके से हर एक स्टेप पे ऑपरेशंस की प्रोसीजर बन जाती है और वो प्रोसीजर्स फॉलो होती है, इसीलिए ऑपरेशनली सुपरमार्केट आसान है। इसके बाद का बेनिफिट है आपका एम्प्लॉयज़ में डिपेंडेंसी सुपरमार्केट में कम होती है। जैसे कि किराना दुकान की मैं बात करूं तो एक एम्प्लॉय को, उसी को पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, उसी को पता है इस कस्टमर को कैसे अटेंड करना है। सुपरमार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपरमार्केट में एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि फिर से यहाँ पे एसओपीज बनी हुई है। यहाँ पे कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट उठा रहा है, कस्टमर को अपना एम्प्लॉय अटेंड नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट यहाँ पे ज़्यादा आसान है। इस तरीके से एम्प्लॉय का जब टॉपिक आता है तो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ये ज़्यादा आसान है, इसलिए ये बेनिफिट है सुपरमार्केट के लिए एज अ एम्प्लॉयज। इसके बाद आता है मॉडर्न ट्रेड कंसेप्ट, ये भी सुपरमार्केट में ही लागू होता है। कंपनीज जो है आपको सुपरमार्केट में एक्स्ट्रा मार्जिन देती हैं, कंपनीज आपको मॉडर्न ट्रेड के नाम पे ऑफर पैक्स देती हैं, जिससे कस्टमर को शॉप में बुलाना आसान हो जाता है, जो कि मैं जनरल ट्रेड में किराना दुकान में करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। सुपरमार्केट में कस्टमर को प्राइस फैक्टर पे बुलाना आसान है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा मार्जिन दे रही है तो मेरा जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है वो बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। ऑफर पैक्स कंपनी ही आपको दे रही है सुपरमार्केट के लिए, तो सुपरमार्केट में ऑफर्स चलाना आसान हो जाता है। इससे अपने को ये भी पता चलता है कि कंपनीज भी चाहती हैं कि सुपरमार्केट ज़्यादा खुले, क्योंकि वो सुपरमार्केट को बेनिफिट ज़्यादा दे रही है। सो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे सुपरमार्केट में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं सुपरमार्केट में बिजनेस टर्नओवर्स बढ़ाने के लिए। अब मुद्दे पे आते हैं, क्यों किराना दुकानदार ने सुपरमार्केट में शिफ्ट होना चाहिए। देखिए, सबसे बेसिक कैटेगरी, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है सुपरमार्केट की, वो है किराना। किराना सुपरमार्केट की जान है, और जो नॉलेज किराना दुकानदार को ग्रोसरी कैटेगरी का, किराना कैटेगरी का है, वो और किसी को नहीं है। सो इसका मुझे असल वैल्यू तब पता चलेगा जब मैं एक सुपरमार्केट में मेरे किराना नॉलेज यूज करूंगा। इसका टोटल किराने का गणित क्या है, कौन सी क्वालिटी मुझे बेचनी है एरिया के हिसाब से, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये किसी को बहुत अच्छे से पता है तो वो है किराना दुकानदार। और फिर सुपरमार्केट बिजनेस, जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस हम उसे बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा है कि एक किराना दुकानदार ने एक दुकान खोली, फिर दूसरी भी खोली, फिर तीसरी भी खोली? जनरली ऐसा नहीं होता है। सुपरमार्केट बिजनेस जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है ही उसी के लिए कि आप सुपरमार्केट की चेन बना सकते हैं। एक सुपरमार्केट, दो सुपरमार्केट, तीन, ऐसे 10-20 सुपरमार्केट भी लोग चलाने वाले संभाल रहे हैं, पर एक किराना दुकानदार चार दुकान संभाल रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें ज्यादा टर्नओवर्स करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है किराना दुकान की, वो सुपरमार्केट ही है, इसीलिए हमें सुपरमार्केट में कन्वर्ट होना है। मैंने 100 से ज़्यादा सुपरमार्केट सेटअप किए हैं ऑल ओवर इंडिया, और इसमें कई सारे किराना दुकानदार भी मेरे साथ जुड़े। किराना दुकानदार बदल रहे हैं, बदलाव तो निश्चित है साहब, इस बदलाव के कौन से चरण में आप जुड़ना चाहते हैं ये आपको तय करना है। नमस्ते।